brought to you by and अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंट्रोल रूम के साथ आपकी मेज़बान समीना खान आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले माज़रत के पिछले हफ़्ते आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, और उसकी वजह ये थी कि हमारे मेहमान जिन्होंने इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना था लास्ट वीक ट्यूसडे को, वो मैनचेस्टर में बहुत बिज़ी थे। जैसे कि आपने देखा और सुना कि जो राइड्स हुए मैनचेस्टर में, तो उसमें उनकी मसरूफ़ी इतनी बढ़ गई कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ला पाए। बहरहाल आज इस प्रोग्राम में पहली मरतबा मुझे एक बड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है कि मैं जिन मेहमान के सामने बैठी हूँ, शायद मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मैं उनके साथ बैठ के ये प्रोग्राम करूँ, लेकिन प्रोग्राम है, टेलीविज़न का प्रोग्राम है, और मजबूरी कि हमारे मेहमान जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, उन्हें हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें अपने टी वी स्क्रीन पर देखेंगे, तो जो फीलिंग मेरी इस वक्त हो रही है, आपकी भी वही फीलिंग होगी। बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं, शायद ही ज़िंदगी में कोई अच्छा काम उन्होंने किया हो। बहरहाल आज के प्रोग्राम में उनका एक ज़बरदस्त इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगी। आज हमारे साथ मौजूद है जी मिस्टर डेवल। हेलो जी, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कैसे हैं आप? एक मिनट ज़रा, मैं ये फेसबुक पे ज़रा चढ़ा दूँ। हाँ, आपका फेसबुक से क्या काम मिस्टर डेवल? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? अच्छा, आपने तो सब कुछ कह दिया, मैं बल्कि बड़ा सोच रही थी कि मैं आपको नमस्ते कहूँ, सलाम कहूँ, सत श्री अकाल कहूँ, क्या कहूँ, आपका तो कोई दीन मज़हब तो है नहीं, तो इसलिए मेरा जरा ताल्लुक है वो सारे जितने मज़हब हैं उनसे है बेसिकली। अच्छा, और मेरा जो है वो मैं हर मज़हब में, मेरे लोग हैं, मैं हर मज़हब का हूँ। जो काम आप करते हैं जी, शैतान बड़ा बिज़ी होता है, मैं देख रही हूँ आपको बहुत बिज़ी आप होते हैं, लेकिन इतने बिज़ी आप करते क्या हैं कि आप इतने बिज़ी रहते हैं? देखिए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है आप इंसानों ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बढ़ा दी? क्योंकि मेरा, अब ये देखिए, हेलो, एक मैं इसको बाद में फ़ोन करता हूँ। मेरा इतना नेटवर्क नहीं था जब इंसान नहीं थे, अब मेरा नेटवर्क बहुत, ये एक मेरा ईमेल भेज दो, इधर मसले फसाद थोड़े से, ये थोड़ा सा, ये थोड़े से दंगे इधर, ये, हाँ जी, आप इंसानों ने मेरी इतनी मदद की है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया। सॉरी, मैं अपना जो है कंप्यूटर हर जगह लेके जाना पड़ता है मुझे, मैं इतना बिजी हो गया हूँ आजकल के, मेरे समझ नहीं आती मैं कितने जावां, ना मैं सो सकना, ना मैं खा सकना, ना पी सकना, मेरी सेहत कितनी मुतासर हो गई है, मेरा रंग देखे कितना चेंज हो गया है। अच्छा, ये आपका ओरिजिनल कलर है या हुआ है? ओरिजिनल कलर, लाल लाल अजीब से, वो कहते ये लाल रंग, बेसिकली जो मेरा रंग है वो ओरिजिनल बहुत स्वीट कलर है, लेकिन वो इतनी बिजी रहने की वजह से मैं अपनी केयर नहीं कर सका, मेरा मॉइस्चराइजर भी वैसे मुकिया हुआ है। अच्छा, आप इतने बिजी रहते हैं, मैं यही सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ कि करते क्या हैं आप जो इतना बिजी रहते हैं? टेलीफोन, तीन तीन टेलीफोन रखे हैं आपने, कंप्यूटर हर वक्त आपके साथ, तो क्या कनेक्शन है आपका किससे, मतलब ये कंप्यूटर फोन, मोबाइल फोन, आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है? ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है इंडियन हिंदूज के लिए, ये मुसलमानों के लिए है, ये क्रिश्चियंस के लिए है। हाँ। और ये जो ईमेल्स हैं, ये मेरा दो तीन और भी फ़ोन हैं, वो मैंने इसलिए रखे हुए हैं जिसके ऊपर बेसिकली जो किसी चीज़ में नहीं मानते उनके लिए, और फिर ये जो लाइव मैं अपनी फीड होती है, अब मैं स्काइप पे बात कर रहा हूँ। स्काइप पे किससे बात कर रहे हैं आप? अपने नुमाइंदों से। अच्छा, मैं जब आप अंदर आ रहे थे तो बहुत से लोगों को मैंने बहुत मुश्किल से रोका, वो कंकरियाँ मारने के लिए आ गए, उन्होंने कहा जी मैं सऊदी अरब जाना और ज़रा मुश्किल नहीं जा सकते इस साल, तो चलो यहाँ ही मुलाकात होगी, कंकरियाँ मार दें। आपका बड़ा बुरा हशर होना था, लेकिन आप उधर सऊदीया भी लोग पढ़ाई करने थोड़ी जाते हैं, वो सारे मेरे लिए आते हैं मुझे कंकरियाँ मारने के लिए। सोच देखे ना लोगों की सोच कैसे बदल गई है। कैसे लगता है आपको जब लोग आपको दूर से? मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है कि यकीन करें कि मैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सारों को मलादीन से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, और मेरा जिक्र हर जगह हो रहा होता है मेरे बारे में सारे। मैं एक मिनट, एक छोटी सी ईमेल कर दूँ एक फ़ीमेल को। हाँ जी, ये फीमेल बड़ी देर से मुझे तंग कर रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी खास नुमाइंदे हैं फीमेल्स, चेले, मतलब बहुत चेलियाँ हैं मेरी। आपको पता है ना कि अगर एक फीमेल चाहे तो वो 100 बंदे को ख़राब कर सकती है, लेकिन 100 बंदा चाहे तो एक फीमेल को नहीं ख़राब कर सकती। तो ज़्यादा चेलियाँ आपकी फ़ीमेल्स हैं आजकल मेरी, काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत फ़ैन फॉलोइंग, जो मेरे जितने भी पोस्टर वगैरह जितने लगे हुए हैं या मेरे नाम के जितने टैटू शैटू बनते हैं, फीमेल्स ही बनवाती हैं।
अच्छा, आपने कभी सोचा कि फीमेल्स आप कितने? मैं तो एक माँ कितना देखो मुकद्दस रिश्ता होता है इंसान का माँ के साथ, लेकिन माँ अगर बच्चा हल्की सी बात में जिक्र करे माँ क्या कहती है, तेरे जी शैतान आ गया। तो मैं फीमेल्स को ना माओं के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा, मेरा बहुत ज्यादा रख रखा हुआ है आजकल। लेकिन क्यों फीमेल्स आपकी ज्यादा फैंस हैं? ये मर्द नहीं है, औरतें हैं, वजह ऐसी क्या बात है? मर्द बेचारे होते हैं, बेचारे होते हैं। हाँ जी, और फीमेल्स बहुत अक्लमंद होती हैं, मर्द बेवकूफ होते हैं। लेकिन शैतान तो मर्द ही है। मेरा, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। अच्छा, और आ सकती भी हूँ। कुछ भी करा लो मेरे को, डांस करा लो, गाने सुन लो, खाना पकवा लो, मैं हर रूप में आ सकता हूँ, ये मेरी क्वालिटी ऐसी है। हाँ जी। सबसे ज्यादा मजा आपको किसको तंग करने में आता है? मसलन क्या मतलब किसको तंग करने में आता है? जब आप किसको खुश करते हैं? आप तो तंग ही करते हैं ना लोगों को। किसी के अंदर पैसे की हवस डाल दी, किसी के अंदर शोहरत की हवस डाल दी, किसी के अंदर किसी को बर्बाद करने की ख्वाहिश पैदा कर दी। गलत फहमियां हैं कि शैतान ये सारे काम करता है। आप देखें मैं कितना जॉली हूँ, कितना रिलैक्स, कितना चिल हूँ, मेरी ड्रेस सेंस देखे कितनी जबरदस्त है, महंगी घड़ी पाई हुई है मैंने। मसलन बात यह है कि जो लोग है ना, वो उन्होंने मुझे बिजी रखा हुआ है लोगों के पास। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। आप कहाँ से, आपका तालक है? यहीं से। नहीं मतलब कि आपका बैक होम कहाँ से तलक? बस यहीं से है। नहीं, ये क्या मसला है? मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम देखे हैं, जो भी इधर गेस्ट होता है आपसे जरूर पूछता है आपका तलक कहाँ से, आपने कभी जवाब नहीं दिया। जी, इसलिए कि मेरा ताल्लुक व्यूवर्स के साथ ज्यादा है। व्यूवर्स कहाँ से हैं? वो भी यहीं से हैं। आपका काम नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। मैं, मेरे पास एक फैक्ट है, मैं इसलिए सवाल पूछा। कहीं से भी आप कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हाँ जी, अब ये देखो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो वहाँ पे स्पेशली जो आपके माशाल्लाह आजकल जो प्रेसिडेंट उधर हैं, आप माशाल्लाह कह रहे हैं, वाह। माशाल्लाह कहना पड़ता है, मुझे तो आदत है इन चीज़ों की, मैं तो इबादत करने वालों में से था। अल्लाह उसके पास जो आइडियाज हैं वो तो मेरे पास भी नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, आपने जिस मुल्क का नाम लिया है। हाँ हाँ। उसके पास जो आइडियाज हैं मेरे पास भी नहीं है। तो आप उनसे, और मैं उसे इंस्पायर होता हूँ, मैं कभी सोचे नहीं। फिर मैं दोबारा लोगों को बताता हूँ, ये देखो क्या हो रहा है उधर। क्यों सारी दुनिया की टेंशन अभी पाकिस्तान के ऊपर है? इसी वजह से मेरे बड़े कारकुन उधर काम कर रहे हैं। और ये तुमने बताना नहीं किसी और को, ये बात प्राइवेट रखना इसको। आपके कारकुन यानी चेले सबसे ज्यादा पाकिस्तान? मेरे चेले सबसे ज्यादा अभी उधर हैं। लाडले चेले कौन कौन से हैं आपके? लाडले चेले जो मेरी फूफी का बेटा बुश। हाँ जी, उसके अलावा जो मेरी खाला का, मतलब कि खाला के दूसरे खालों में से है टोनी ब्लेयर। और इसके अलावा हमारा जो पहले मेरे जो बुजुर्ग थे वो तो फौत हो गए ना, बिन लादन साहब, अल्लाह ताला उनको, चलो अगर जनते मिलती हैं तो मिल जाए, हैर है, वरना दोज़ख में यूर मोर देन वेलकम। और इसके अलावा आजकल जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो तो बल्ले बल्ले हैं। हाँ जी, वो तो मेरे बेसिकली उनको तो मैंने वो मतलब कि मैं उनको मैंने मैं तो दिमाग बनाना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर उनकी कहीं और शादी हो गई, लेकिन वो किन की? हाँ जी, किन की? पूंडी करते होते थे, लेकिन मैंने कहा चलो मेरी बेटी ले लो। कहता नहीं नहीं नहीं, कौन? आपके जो प्रेसिडेंट साहब है गद्दारी साहब, और वो बहुत मेरी पर्सनल। कितनी वैसे आप, ये बड़ी बुरी बात है और मुझे बहुत बुरा लगा कि आप हमारे मुल्क के प्रेजेंट के बारे में ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आपकी बड़ी शर्म की बात है वैसे ये। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बात सिंपल सी है, बात ये है कि आप लोगों ने हर चीज का जो है ना वो मेरे पे डाला होता है। शैतान ने कितना, शैतान ने कितना, शैतान ने थोड़े को जो आइडिया ने तो मेरे को है ही नहीं, मैं तो इंसाना से बुक लिख रहे हैं। अच्छा, इसराइल में आपका चेला कौन है? इसराइल में चेला कौन है आपका? देखिए, बात चेलों की नहीं है, ये मैं मार्केटिंग एक टूल है, ये देखो ये सारी मार्केटिंग हो रही होती है। मैं अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक दिन बड़ा वेला बैठा हुआ, मैं सोचा मैं इनको लोगों को किस तरफ लगाऊं। मैंने फिर वो बूथा बुक ईजाद कर लिया। किसको? फेसबुक, उसको मैंने ईजाद किया। मैंने कहा लोगों को इस तरफ डाल दो, पागल हो गई दुनिया आजकल, हर चीज लोग करते हैं कि बच्चे भी साढ़े फेसबुक पे पैदा हो जाए किसी तरह। अच्छा, फेसबुक हो रहा, हर चीज में फेसबुक हो रही है। फेसबुक आपने ईजाद की? फेसबुक मैंने ईजाद की। क्या फायदा हो रहा है आपको फेसबुक से? आप देखिए फेसबुक के कितने फॉलोअर्स हैं। जो बंदा फॉलो करता है फेसबुक, वो मुझे फॉलो करता है। हालांकि उसमें ये नहीं कि बुरी चीजें नहीं, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई आयत शेयर कर लेता है, जब कोई खाना काबा की तस्वीर लगा, मुझे तकलीफ होती है मेरे अंदर। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा होता है, जो डेटे लग रही होती हैं, जो एक दूसरे को बंदा छेड़ रहा होता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही होती हैं, हम एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ जी, वो मेरा एक मेन जो मेरा शिकार मैंने बम छूटा है ना, वो बोला है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि रमजान में आप बंद होते हैं, तो मैं एक ईमेल कर लूं छोटी।
ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा। आपका पासवर्ड क्या है? फिटेमो। वाह, जबरदस्त पास। आपके लगता है कनेक्शन बहुत ही लो है इधर। जी हाँ जी, दोजक ईमेल नहीं जा रही, ये चली गई। दोजक में फैमिली आपकी कि रिश्तेदार? दोजक है ही मेरी। हाँ जी, दोजक में मैं बेसिकली, मैंने बड़ा खूबसूरत सा अपना घर बनाया हुआ है। उधर हर वक्त ये नाच गाने चलते रहते हैं, और उसके अलावा चरगे शरगे चल रहे होते हैं, उसके अलावा ये मज़े मज़े लोग आ रहे हैं, इंजॉयमेंट बहुत है उधर जो दोजक में। हाँ, लेकिन सुना आप कभी आए? आप तो ये नहीं, नहीं मैं मेरा कोई इरादा नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं दोजक। अच्छा, नहीं मैं तो बल्कि कोशिश करूंगी कि मेरे अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें और मैं दोजक से दूर ही रहूं। चलो मुश्किल काम है, लेकिन चलो मैं भी आपको, क्योंकि आग के जो शोले हैं मैंने सुना है बहुत जलाते हैं, लेकिन मज़े भी उसमें आते हैं। अब बारबेक्यू पसंद करती हैं ना? बारबेक्यू तो दोजक में तो असल बारबेक्यू। देखिए आप तो बने आग से, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली आग से। क्या जो मिट्टी का बना बंदा इंसान वहाँ जाएगा दोजक, उसके प्रॉब्लम तो उसको होनी है ना? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी, ये हर चीज़ बड़ी प्लान हुई थी। बहरहाल सवाल मेरा ये था कि रमज़ान में तो आप बंद होते हैं, तो आप खुले फिर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट, पैसा लगाओ बाहर आ जाओ। मेरी रूप के बहुत लोग हैं। फरिश्तों को रिश्वत देते हैं? फरिश्तों को रिश्वत नहीं देते, फरिश्ते रिश्वत लेते हैं। फरिश्ते बेचारे क्या करें, वो तो मेरे करीब आ ही नहीं सकते, इंजन करके आ रहे होते, धम करके उठ जाते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो दुनिया है, ये जो आपके आदमी है, जिसे कहते हैं ना, आए रोजाना एक ही अपराध करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो है लोग, उनको मैं पैसे लगाता हूँ, ब्राइब करता हूँ, खूबसूरती दिखाता हूँ और बाहर फहाशी दिखाता हूँ। तो इससे भी बात ऐसे ही है कि शैतान रमजान में कैद होता है? ये बातें बनी हुई है कि नहीं, क्या कैद होता है? मैं तो लास्ट वीक भी इतने आ जाना सी, यकीन करो इतने मैं सेल्फर के कोल ना ट्रैफिक से फंस गया। अच्छा, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं। तो मैं तो समझती कि लास्ट वीक के हंगामे फसाद आपकी वजह से, मेरी वजह से क्यों हुए हैं बीबी? मैं तो तुम्हारे शो भी आ रहा था। हाँ, मैं इसलिए हमारा शो भी कैंसिल हो गया। हमारा शो भी इसलिए कैंसिल हुआ है मेरा, मैं बड़ा बिजी था, मैं तो आ जाने नहीं था, मैं तो बड़ी मुश्किल से आ जाया हूँ। लेकिन आजकल क्या एक्टिविटीज है आपकी? आजकल मैं बहुत बिजी हूँ दरअसल। ये जितना भी जितने झूठे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं आजकल, चैरिटीज वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं, या जो लोगों से पैसे मांगते हैं, लोगों का हक मारते हैं, अब ज़कात, आजकल ज़कात का महीना, लोग ज़कात खाते हैं एक दूसरे की, वो बेसिकली मेरे चेले हैं ना बेसिकली। मैं तो बड़ा बिजी हूँ उसमें, तो मेरे पास पैसा आता है फिर मैं सबको वंडता हूँ, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम्हारा। एक ई मेल मैं जवाब दे, तो आप पहले मेरे सवालों के जवाब दें, आप फिर ई मेल का जवाब दीजिएगा। अच्छा, ए लो हो गया। किसी ने कहा था 33 बंदे मरवाने हैं कराची में, मैं क्या मसला? तो बस तक आपको ईमेल आती है फिर कैसे करते हैं आप ये सारे काम, लोगों को मरवाना, लोगों को फंसवाना, लोगों के पैसे मरवाना, कैसे होता है आपसे ये सब कुछ? आप हर चीज का इल्जाम मेरे पे क्यों लगा रही हैं? ये देखो मुझे ईमेल आई है, उन्होंने पूछा कर दो, मैंने कहा ये लो कर दो, मैं ना नहीं कर सकता ना, बड़ा स्वीट पर्सन हूँ। आपकी फैमिली है? माशाल्लाह, पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। ये तो इल्जाम है, बिल्कुल इल्जाम नहीं है। मेरा इधर आने का मकसद यही था, मेरा उस टाइम पे बीबी हवा को करने का मकसद यही था, ताकि मैं दुनिया में आ सकूं, फ्री हो सकूं, प्लान किया ना, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अल्लाह तआला ने इंसानों को बनाया, कुछ इंसानों को बहुत खूबसूरत बनाया, कुन को किसी को क्या अच्छाई डाल दी, किसी में कुछ चीज़ अच्छी डाल दी, जो आपकी आपकी हुलिया और आपका शक्ल अल्लाह तआला ने बनाया, आपको खुद नहीं डर लगता कभी? मीट यू एट 8 PM, सेंड। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये किसको 8 बजे मिलने जा रहे हैं? मैं आजकल सिंगल हूँ। अभी तो आपने कहा कि मेरी फैमिली है, और तो अगर मैंने सच बोला तो शैतान कैसे? नहीं, आपने जितनी बातें बताई हैं वो सब गलत, और जो आपने माय प्रेजेंस सबके बारे में कहा वो भी झूठ था। क्या आपने कहा? आप अगर सच बोले तब शैतान कैसे? अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मैं वो कलमा पढ़ के कह सकता हूँ झूठ नहीं था। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो शैतान हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे ज्वाइन कर लो मेरी पार्टी को। और ये शक्ल जैसी आपकी वैसी मेरी भी हो जाएगी, उन्नी भी नहीं फर्क है। अच्छा, बाहर कुछ और बात करते हैं। फेवरेट टाइम कौन सा आपका साल में वो दिन? हाय, जो मेरे हॉलीडेज के टाइम होते हैं या वैसी फेवरेट जो बहुत बस आपको टाइम बहुत पसंद है साल में? मुझे सबसे फेवरेट टाइम मेरा आजकल चल रहा है रमजान, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये धोखा है कि मैं बांधू। लेकिन मैं बांधने नहीं, मैं कितना ये यूरोप के टूर पे आया हुआ, बल्कि सबसे बिजी पीरियड है आपका। माशाल्लाह सबसे बिजी पीरियड है। इसके अलावा भगवान की कृपा से मुझे जितनी भी यात्राज होती हैं मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उन दिनों में। इसके अलावा मैं इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करता हूँ, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को।
फ्राइडे वैसे देखो ना अल्लाह ताला का सबसे प्यारा दिन है मेरा। सारे सिनेमा की लाइन में खड़ी होती है, टिकटें नहीं मिल रही होती। एक मिनट, एक ही मेल आई है, तलाक हाँ करा दो। किसी ने कोई कह रहा था तलाक करानी है, अभी मैं कह चलो करा दो कोई बात नहीं, छोटे छोटे काम मैं कराते रहता हूँ वैसे। इसके अलावा जो हज का पीरियड होता है मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। लेकिन आपको जो कंकरियाँ जो पत्थर पड़ते हैं वहाँ पे, ये फौलादी बॉडी है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मुझे असर होता। लोग दूर दूर से पत्थर मार के समझते हैं कि जो है ना मुझे शैतान बड़ा डैमेज हो गया। शैतान की माशाल्लाह से तो देखो। माशाल्लाह फरलास में क्यों कह रहे हैं, जब आप हर वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हुक्म किया उसके गेंस माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं और इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, आज मैं तेरे लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, बल्कि वो मुझे गुमराह कर रहे हैं। आपको गुमराह कर रहे हैं कैन चिकी यार जे, ना तो मेरा ही लगता ना हर जगह। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी शक्लें हैं आपकी, आप चेहरा बदल लेते हैं, रूप बदलते हैं, आज असल शक्ल में आए हैं या किसी और? दिस इज माई प्योर। अच्छा, आपकी स्किन देखो ना कितनी प्यारी है। जी, उसी की वजह से आपको जब मैंने, आप जब स्टूडियो में आए और आपको मैंने देखा, तो सबसे पहली सोच जो मेरे दिमाग में है कि आपके साथ 40-45 मिनट बैठना मेरे लिए अजाब होगा। मैं फोन उठा लूँ एक मिनट। हेलो, वाकई नहीं, कर दो कर दो कर दो, ओके फिर मुझे फोन करके बताना, ओके मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा कोई पता नहीं, ओके जी सॉरी, वो किसी ऐसी बेचारी किसी छोटी सी लड़की का रेप शेप का कुछ चक्कर था, मैं कर दो कर दो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह की बातें नहीं करनी, ये मुझे वीक करती हैं। जब आप मैं तो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, मतलब जब अस्तग़फ़िरुल्लाह कर नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र जब होता है मैं वीक हो जाता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तो करना चाहिए। नहीं नहीं, जब मैं वीक हो जाता हूँ फिर मैं ज्यादा जोर से वापस आता हूँ, और फिर जब मैं तबाही करता हूँ तो मैं तबाही कर देता हूँ, इसलिए दोबारा ये नहीं कहना। अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं, कोई और बात करो, मेरा मूड ना खराब करो। चलें बताइए, आपकी शादी हुई? अगर ये मान गई तो हो जाएगी। कौन ये? इसकी पहली 5 शादी हुई, 3 चक्कर चल रहे हैं, लेकिन कहती है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मुखलस लूंगी। कुड़ियां ही कर दी ना, 5 जब बच्चे जम के कह दिया हाँ मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। एक मिनट ईमेल कर। बहरहाल जी, आप सुन रहे हैं जनाब, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है मिस्टर डेविल। एक ब्रेक लेनी है हमने, और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं।